अपने महादेव की वीडियो किसी मूवी से कम थोड़ी ना है। एक दिन मैं भी केदारनाथ जाऊंगा महादेव। तो मैंने सोचा क्यों ना क्यों अपने व्यूअर्स को भी संगम स्नान करा दिया जाए।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज है 10 तारीख और टाइम अभी हो रहा है सुबह के 3:25। और देख लीजिए 10 जून 2023 और कितनी ठंडियाँ हो रही है। हम पूरे पैक हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड और यहाँ से 13 किलोमीटर नहीं 16 किलोमीटर का ट्रैक है। और यहाँ से एकदम स्टीप डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हैं आज का जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रखा है, ना बादल है ना बारिश है। लेकिन हाँ, इतना सेटिस्फेक्शन है कि ये पहाड़ क्रॉस करने के बाद बर्फ़ के पहाड़ बहुत सारे देखने के लिए यहाँ से दिखाई मिल रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि बस एक दो पहाड़ चलने के बाद आगे बर्फ़ के बहुत सारे पहाड़ देखने के लिए मिलेंगे। सो इसी उम्मीद के सहारे हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और एक उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारी सारी थकान एक सेकेंड में दूर हो जाएगी। देख लीजिए मौसम अब धीरे धीरे हल्का हल्का बदलने लगा है। केदारनाथ घाटी की एक सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ सामने दिखते बर्फ के पहाड़ आपको एक उम्मीद देते रहेंगे कि बहुत जल्द आपको एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिलने वाली है जहाँ पर आप ट्रैक करेंगे। दूसरी चीज़ कि पूरी घाटी में हेलीकॉप्टर की आवाज़ इस पूरी घाटी को एक अजीब सा माहौल बना कर रखते हैं। लेकिन आज सबसे बुरी बात, सबसे जो ज़्यादा बुरी बात इस केदार घाटी की है वो ये कि देखिए हम ऐसी जगह जाते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है, एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए मन में। लेकिन ये जो इतने सारे घोड़े खच्चर चल रहे हैं तो लोग इस पर जाते हैं। और बिलीव मी, अभी मेरे सामने दो खच्चर ऐसे गिर गए, एक पर तो लेडी बैठी थी वो भी नीचे गिर गई। तो ठीक है, इंसान का दर्द हमें दिख जाता है लेकिन किसी ने नहीं देखा खच्चर की ओर कि उसे कहीं चोट लगी होगी या नहीं लगी होगी। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं जो यहाँ हो रही हैं। अगर आप आ रहे हो, आइए भगवान के दर्शन करने, अच्छी बात है, लेकिन अपने पैरों के दम पे आइए, वरना हेलीकॉप्टर सर्विस है, आप हेलीकॉप्टर से भी आइए। भाई मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन है और एक बहुत ही भव्य मंदिर बहुत सारे मनोकामनाओं के साथ हम वहाँ जाते हैं। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारी श्रद्धा भावना, बहुत सारी विशेष होती हैं, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, तो वहाँ जाइए। लेकिन
किसी भी तरह का हरासमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अब हम इंसान की बात तो करते हैं लेकिन जानवरों की भी करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही कहना था, बाकी आप खुद समझ पा रहे हैं। तो करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद, गौरीकुंड से 6 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद, ये सामने पहला बर्फ़ का पहाड़ अब हमें दिखाई दे रहा है। तो अब लग रहा है कि भाई बस एक पहाड़ और आगे चलना है, एक पहाड़ और क्रॉस करना है, उसके बाद बर्फीले पहाड़ शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ से रिवर क्रॉसिंग है, उसके बाद हम इस रिवर के राइट में हो जाएंगे, अभी तक लेफ्ट में चल रहे थे। तो यहाँ से ट्रैक और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, और ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा बल्कि अच्छा हो जाएगा ये कह सकता हूँ। तो केदारनाथ जाते समय हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद, लगभग हाफ डिस्टेंस कवर करने के बाद ये व्यू देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप नहा सकते हैं, नदी में उतर सकते हैं, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये अलकनंदा जो केदारनाथ घाटी की तरफ से आती है, तो लगभग यहाँ पर हाफ डिस्टेंस कवर हो जाती है, उसके बाद ये व्यू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से देखिए बर्फ़ के पहाड़ भी साफ दिख रहे हैं, और इसमें को क्रॉस करने के बाद बर्फ के पहाड़ यहाँ से दिख रहे हैं। तो ये है केदार घाटी, और यहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है। देख लीजिए सुबह निकले तो बादल हो रहे थे, दोपहर में जैकेट भी उतारनी पड़ गई थी, और बहुत ही धूप पड़ी थी, और अब देख लो बारिश भी शुरू। तो यही है पहाड़ों का मौसम, कब बदल जाए कुछ नहीं पता। सच में स्वर्ग ही होगा वहाँ। पूरी घाटी बर्फी, एक छोटा सा ग्लेशियर, और ये है केदार घाटी। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ये भी यहाँ पर ही लैंड होंगे, और यहीं कहीं एलिपेड होगा, और यहीं कहीं टेंपल होगा इसके पास ही। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। Thank you.
यहाँ जितने भी साइन बोर्ड लगे हुए हैं 16 किलोमीटर के लगे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बताते हैं कि एक्चुअली ये 16 नहीं है, ये 16 था 2013 तक, और जब ये अब द आई थी उसके बाद ये इसकी डिस्टेंस हो गई 22 या 21 वाट एवर इज। तो जो अभी साइन बोर्ड्स हैं वो 16 किलोमीटर के लगे हुए हैं, लेकिन 16 नहीं है, 22 है, 22 किलोमीटर, क्योंकि करीब 16 किलोमीटर हम चल चुके हैं, ऑलरेडी चल चुके हैं 16 किलोमीटर, बट अभी भी यहाँ से 4 या 5 यहाँ से 3.5 किलोमीटर यहाँ से, और हम 17-18 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। बोर्ड देख देख के चलते हैं, हर 4 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर घट जाता है। बट जाना है, बहुत ही 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद देखने के लिए मिलेगा वो भव्य मंदिर, जिसे देखने के लिए हम लोगों ने 15 घंटे ड्राइव किए और करीब 12 घंटे किए ट्रैकिंग कर रहे हैं। वैसे थोड़ी जल्दी कर सकते थे, लेकिन 15 घंटे की ड्राइव करने के बाद भी ना थकान हो गई थी ऑलरेडी, तो इसलिए ट्रैक करीब 12-13 घंटे में पड़ जाएंगे, वरना लोग कर लेते हैं 10 घंटे में भी। तो चलिए अब मैं आपको 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद मिलता हूँ। तो हाँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब यहाँ से 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस भाई और देखा है, लेकिन यहाँ से एक बहुत ही अच्छी लोकेशन दिखाई दे रही है, पहली बार बर्फ वो पर्वत दिख रहा है जहाँ से केदारनाथ टेम्पल स्थित है, तो मैं दिखाता हूँ वो यहाँ पूरी घाटी। अरे यहाँ से है ना, देखिए ये एक ग्लेशियर, और वो है श्री केदार घाटी। ये वाला वो पर्वत है, यहीं कहीं हेलीकॉप्टर लैंड हो रहे हैं तो यहीं कहीं टेंपल होना चाहिए, बट लोकेशन देखिए really awesome man, it's really awesome। अंदर रखो फोन, जम चुकी है बहुत ज्यादा, आई स्नो है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलिए अब बेस कैंप पहुंच कर लेते हैं। चलिए हम निकल गए।
जन्नत है जन्नत पण तो ये था अपना कैंप जहाँ मैं रुका था और वो रहा टेम्पल। तो वैसे तो होटल्स भी हैं यहाँ पर लेकिन होटल्स में रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है अभी। तो अगर आप होटल्स में रूम लेना चाहते हो तो आप कम से कम कुछ टाइम पहले जो है ऑनलाइन बुकिंग करा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना होटल्स मिल नहीं पाते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा होटल्स हैं भी नहीं यहाँ पर जिस हिसाब से क्राउड आती है। देखिए अभी कितना अच्छा व्यू रखा है, सब में स्नो है। और ये छोटी सी ट्रैकिंग है यहाँ से, ये जो टेंपल है ये है भैरव बाबा का टेंपल। तो यहाँ से महादेव के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने भी अनिवार्य होते हैं ऐसा कहा जाता है। तो अब यहाँ भी चलेंगे, यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊँगा। तो जो ये जो माउंटेन्स है ना, जो टेम्पल के चारों के माउंटेन्स हैं, यहाँ स्नो नहीं है बट उनके जो जस्ट पीछे की पूरी सराउंडिंग है वो देखिए सारी स्नो वाली है। तो अभी भैरव बाबा के टेंपल से मैं सारी की सारी सीनरीज मैं आपको दिखाऊंगा जो भी व्यू है। और एक बात और दोस्तों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो तो आप अपनी पहले से बुकिंग करा के रखना, क्योंकि स्लॉट अवेलेबल नहीं होते हैं।
कम से कम 3 महीने पहले आपको बुकिंग करानी होगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि मुझे मिल जाए स्लॉट, बट नहीं, वो ऑलरेडी बुकिंग करानी पड़ती है कम से कम 3 महीने पहले। तो ये रास्ता जा रहा है भैरव बाबा टेम्पल के लिए, और हमने चढ़ाई शुरू कर दी है भैरव बाबा टेम्पल के लिए। ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन यस स्टीप वे है, तो सांसें फूलने तो लगी हैं, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि डिस्टेंस इतनी नहीं है। तो ये है भैरव बाबा का मंदिर, और वो देखिए वो बैठे हैं हमारे महादेव। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि माना जाता है कि जब विंटर सीजन में ये घाटी पूरी तरह से बर्फ में ढक जाती है तो भैरव बाबा ही केदारनाथ धाम की रक्षा करते हैं। गाइस, इस फाइनल सिनेमेटिक्स के साथ अपनी ये यात्रा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको ही मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय बाबा केदारनाथ, जय श्री केदारधाम। बोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव।